जनसेवा सोशल फाउंडेशन व फरिश्ते कमेटी की ओर से हुआ दावते इफ्तार का आयोजन। इरफान भाई, आप विभाग प्रमुख भी हैं और इसके द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके इस इफ्तार पार्टी के द्वारा मैं यही संदेश दूंगा सभी मीरा भाईंदर वासियों को कि मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारे को ना भूलें। त्यौहार आते हैं जाते हैं, मगर हम जो है हमको वहीं पे रहना पड़ता है। सोसाइटी वालों से, रविवार से सबसे मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस शहर की शांति बनाए रखें, विकास के मुद्दे पे काम करें, अपने परिवार का, अपने सोसाइटी का ख्याल रखें। और यहाँ पे कोई ना भेदभाव कुछ नहीं है। आज हमने जो इफ्तारी पार्टी रखा, इसी का संदेश है। एक शांति का संदेश देने के लिए हमने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सभी लोग, आपने देखा, सभी धर्म जाति के लोग आए हुए थे और काफ़ी संख्या में आए हुए थे। तो ये कि जो शहर है ये बहुत प्यारा शहर है। जनसेवा सोशल फाउंडेशन और फरिश्ते कमेटी के द्वारा 18वें रमज़ान के अवसर पर दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दावती इफ्तार का आयोजन मीरा रोड कनकिया परिसर में किया गया। इस इफ्तार पार्टी के जरिए सारे धर्म के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, सारे लोगों का स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सचिन मांजरेकर, विधानसभा प्रमुख साजिद पटेल, हासिर पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिरकत की। इस मौके पर रहमान शेख, समाज सेवक अमन खान, जुबैर खान, कुर्सीद शाह, साकिब शानू मौजूद रहे। वहीं आए हुए मेहमानों का स्वागत शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विभाग प्रमुख इरफान खान, जनसेवा सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद सईद शेख, फरिश्ते कमेटी के अध्यक्ष हमीद शाह ने की। आज हम मीरा रोड में स्थित हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, ये नज़ारा कनकिया गौरव वुड्स फेज टू का नज़ारा है, जहां इस परिसर में आज खासा इंतजामात किया गया है इफ्तारी के अवसर पर, यानी कि 18वें रोजा के अवसर पर इफ्तार दावत का इंतजाम किया गया है, जिसमें तमाम संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ शरीक हुए हैं इस इफ्तार पार्टी में। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। कई दल के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी की बात की जाए, चाहे स्वयं एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये नज़ारा है जो कि हर साल की तरह इस वर्ष भी जनसेवा सोशल फाउंडेशन और फरिश्ते कमेटी की तरफ से ये इस तरीके का आयोजन किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, महिलाएं और पुरुष का एक दो भाग बांट दिया गया है, एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ पुरुष नजर आ रहे हैं। काफ़ी इंतजामात है इस इफ्तार के अवसर पर। वहीं जो सिलसिलेवार तरीके से अगर कहा जा सकता है तो नेताओं की भीड़ भी दिखाई दे रही है। एक एक हस्तियां यहां इस इफ्तार दावत में, एक एक हस्तियां यहां शरीक होते हुए नज़र आ रही है, और ये सिलसिलेवार तरीके से लोग यहां आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इरफान खान, जो कि इसका इंतज़ाम किया है, विशेष तरीके से जो है उनका शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य अतिथि के रूप में जिन लोगों ने भी शिरकत किया है, वो लोग शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं इरफान खान। तो हम दोनों भाइयों की तरफ से मैं बहुत देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा इफ्तारी का प्रोग्राम उन्होंने रखे, और हम लोग तो देखते रहते क्या ये प्रोग्राम नहीं, उन लोग सब तरफ के प्रोग्राम करते रहते हमारे बल्ला भाई, बाकी सब भाई मिल के हमारे सब हमारे साथ में हमारे प्रोग्राम में भी शरीक होते, हम भी उनके प्रोग्राम में शरीक होते। और हमारा से दुआ करूँगा कि अल्लाह उनकी मनोकामनाएं वो पूरी करे, उनकी जो भी दुआ है वो कबूल करे, और अच्छे से अच्छे लोगों के भाईचारा बनाए रखे और हर दुख सुख में लोगों के काम आए। जय जय महाराज। जात धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं दावते इफ्तार के अवसर पर। वहीं इरफान खान लोगों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तरीके के मौके पर अगर पंडितों को सम्मान किया जाता है, ब्राह्मणों को सम्मान किया जाता है, तो ये अपने आप में एक मिसाल कायम होता है। वहीं आज इरफान खान के द्वारा यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, यानी शरीक हुए ब्राह्मण परिवार को सम्मानित किया जा रहा है। भाई 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 भाई
जन सेवा सोशल फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद सईद शेख का स्वागत किया जा रहा है फूलों का गुच्छा देकर। अगर इरफान खान की जाए तो हर दिल अजीज रहे हैं, यानी सर्वधर्म संभाव को व्यक्त किया है आज इस दावत इफ्तार के अवसर पे। तमाम लोग जो यहाँ शरीक हुए हैं, यानी हर जात धर्म समुदाय के लोग यहाँ नज़र आए हैं, जो काफ़ी कहीं ना कहीं कहा जाता है मुस्तैद तरीके से वो लोगों का स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इससे पहले भी बताया है कि तमाम हस्तियां, या चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए दिखाई दिए। वही आज हमारे बीच मौजूद हैं कुछ हस्तियां जो कि हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है इस अवसर पर। आइए हम जानते हैं सर, आज दावत इफ्तार के अवसर पर आप यहाँ शरीक हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे फरिश्ते फाउंडेशन का और जन सेवा फाउंडेशन का, जो इतने प्यारे प्रोग्राम में उन्होंने हम दोनों भाइयों को बुलाया। और इस इफ्तार पार्टी के ज़रिए से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मीरा भाईंदर की जनता को कि लोगों की कही हुई बातें और ये जो वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं इस पे ध्यान मत दीजिए। ये कुछ लोगों की गलतियों के वजह से जो हम लोगों के बीच नफ़रतें पैदा हो गई है या हो रही है या होने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे ज़रा भी ध्यान मत दीजिए। और जिस तरीके से आज मीरा भाईंदर की हिस्ट्री रही है, ये हिस्ट्री में जो ये वारदात हुई है, ये फर्स्ट इंसिडेंट था जो मीरा भाईंदर में हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये हम सबका फ़र्ज बनता है, आपका मेरा और हम सबका, कि हम जिस तरीके से मीरा भाईंदर में चैन सुकून अमन से रह रहे हैं उसी तरीके से आगे हम रहे, और किसी भी तरीके की अफवाह या कोई भी तरीके से जिससे एक दूसरे में नफरत पैदा हो ऐसा कोई काम ना करें। एक और सवाल, तमाम पार्टियों में जो भेद दिखाई दे रहा है, आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? जो अलगाववाद दिखाई दे रहा है, चाहे वो सिंधी गुट हो या इस तरीके, क्या असर पड़ेगा आने वाले? नहीं, इस बारे में तो मेरे भाई टिप्पणी। देखो, अभी इफ्तार का प्रोग्राम है, सब भाई एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ना इसमें कोई पार्टी वाला है ना कुछ नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हैं। ये हम लोग एकता का एक मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ से हम लोग कोई पार्टी की बात नहीं करना चाहते, इसलिए हम सबको रमज़ान की आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे भाइयों को, देशवासियों को, सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जनसेवा फाउंडेशन और ये जो फरिश्ते फाउंडेशन है, इनके सभी मेम्बरात को, सभी भाई, हमारे सभी भाइयों के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों के साथ मनाया, उस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे मीरा भाईंदर में जो थोड़े दिन पहले जो गलत मैसेज जा रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, तो आज फिर से वापस एक अच्छे मैसेज जाना मीरा भाईंदर से शुरू हो गए। जैसा हमारा होली का प्रोग्राम था, सभी ने मिलकर मनाया, ऐसा भी हमारा रमज़ान का प्रोग्राम है, सभी मिलकर मना रहे, और इंशाअल्लाह आने वाले ईद में भी आप देखेंगे हिंदू मुसलमान सब एक ही जगह पे ईद मनाते हुए भी आपको नज़र आएंगे। तो इस में है, तो इरफान भाई में क्या कहना चाहेंगे? इरफान भाई में भी है, और इंशाअल्लाह हमारे सब भाइयों में, हिंदू भाइयों में भी और मुसलमान भाइयों में भी है, पन एक बोलते हैं ना, कुछ गलत लोग हैं जो हमारे गलत फहमी पैदा करते हैं हमारे हिंदू मुसलमान सब भाइयों में, नहीं तो हम तो आप देखोगे खाने पे भी एक साथ दिखेंगे, नाश्ते पे भी एक साथ दिखेंगे, खेलते हुए भी एक साथ दिखेंगे। आज क्रिकेट की टीम है, उसमें देखिए हिंदू मुसलमान सब दिखेंगे आपको, कोई भी जरिए से आप देखिए हर तरफ हिंदू मुसलमान, कभी किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, ना पूछता है कोई भी, पन ये कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है, पन वो बोलते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है। अभी आपने देखा कुछ, जैसे मेरे भाई ने बोला कि कुछ लोग गलत होते हैं, उनके वजह से समाज में गलत फहमी पैदा हो जाती है, तो गलत फहमी को दूर करने के लिए हम जैसे भाई भी खड़े होते हैं कि चंद लोगों को मत देखो, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे हैं, उनके वजह से जो वातावरण खराब होता है तो चंद लोगों की वजह से ज़्यादा लोगों की वजह से वातावरण सुधरता भी है। और वो टाइम पे ना कोई पार्टी देखी जाती है ना कुछ नहीं, फिर हम सब भाई भाई है, ना हमारे लिए हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, हम सब भाई भाई है। हमारे को हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है, कोई भी काम ना हिंदू करेगा, ना मुसलमान, ना कोई भी धर्म का लोग, कोई भी धर्म का ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें हमारे हिंदुस्तान का नाम खराब होगा। इरफान भाई, आप विभाग प्रमुख भी हैं, और इसके द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके इस इफ्तार पार्टी के द्वारा मैं यही संदेश दूंगा सभी मीरा भाईंदर वासियों को कि मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारों को ना भूलें,
त्यौहार आते हैं जाते हैं, मगर हम जो है वो हमको वहीं पे रहना पड़ता है। सोसाइटी वालों से, रविवार से सबसे मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस शहर की शांति बनाए रखे, विकास के मुद्दे पे काम करे, अपने परिवार का, अपने सोसाइटी का ख्याल रखे। और यहाँ पे कोई भेदभाव कुछ नहीं है। आज हमने जो इफ्तारी पार्टी रखा इसी का संदेश है, एक शांति का संदेश देने के लिए हमने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सभी लोग, आपने देखा, सभी धर्म जाति के लोग आए हुए थे और काफ़ी संख्या में आए हुए थे। तो एक जो शहर है ये बहुत प्यारा शहर है, इसको क्या बोला जाता है, मिनी इंडिया, बहुत प्यारा शहर है। मैं तो आपके चैनल से निवेदन करूँगा, जो लोग ये शहर को ख़राब करना चाहते या कुछ अंगार लगाना चाहते, प्लीज़ उनसे मैं निवेदन करूँगा, इस शहर को ना बचाए, इस शहर को की शांति अमन बनाए रखिए। और हमारे आमदार प्रताप जी सरनाई का कार्य सम्राट इसके लिए तो तत्पर है, विकास का मुद्दा उन्होंने दुनिया भर का लेके रखा है। इस शहर में मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा विकास किया किसने, आमदार प्रताप सरनाईक ने। विकास के मुद्दे पे उन्होंने कभी भी बात किया, धर्म की राजनीति नहीं किया। बाकी नेताओं से भी मैं आपके चैनल से अपील करूँगा कि आप भी विकास के मुद्दे पर बात करिए, विकास की राह पे चलिए, ये सब छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। शहर में, शहर को अमन शांति से रहने दे, लोगों को रहने दे। हर आदमी आज के दौर में, आज मंदी की मार है, हर आदमी अपने अपने परिवार को लेकर परेशान है। आपकी सबकी अपने अपने परेशानियाँ, सोसाइटियों की परेशानियाँ है, जनता की परेशानियाँ है। तो मैं उन नेताओं को कहूँगा उन परेशानियों पे ध्यान दे, जनता के परेशानियों का निवारण करे, सोसाइटियों का परेशानियों का निवारण करे, ना कि किसी तरह का अफवाह फैला के इस माहौल को ख़राब करे। मैं विनती को इस रमज़ान महीने में विनती करूँगा कि सबको ना शांतिपूर्वक जीने दे। इस रमज़ान का जो महीना होता है बड़ा ही पाक महीना माना जाता है, और आज कहीं न कहीं यह दिखाई दिया कि सारे लोग यहाँ इकट्ठा दिखाई दिए। इसका श्रेय अगर कोई जाता है तो इरफान भाई को जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके विचारों के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं रमज़ान शरीफ की सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज जन सेवा फाउंडेशन और फरिश्ते फाउंडेशन और हमारे मेरे क्लोज मित्र हैं, मेरे भाई जो विभाग प्रमुख है इस वार्ड के 13 नंबर के, उनके द्वारा आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। आज ये इफ्तार पार्टी आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों को लेके की गई है। आज आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर शहर क्या है, जंगल है क्या, कोई उठा शेर नहीं, सब चालू है, कुछ नहीं है, पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ पे हर आदमी, हिंदू मुसलमान एक साथ रहना चाहता है, एक साथ धंधा बिजनेस करना चाहता है, एक साथ अपने बच्चों को पढ़ा के आगे का फ्यूचर बनाना चाहता है। तो इसी तरह आज एक संदेश देने की कोशिश की गई है जो विभाग प्रमुख इरफान भाई उन्होंने और ये जो फाउंडेशन है उनके द्वारा, कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक है, हम एक साथ रहेंगे, एक ही साथ आगे बढ़ेंगे, एक ही साथ लोगों का काम करेंगे। और आपको बता दूं कि हम कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाई साहब जो सभी धर्म को साथ में लेके चलते हैं, उनके आदर्शों को मान के, उनके आदर्श के साथ और उनके मार्गदर्शन में काम करते, तो ये सिख हमारे ब्लड में ही है, हमारे खून में ही है। और हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक है, इसके लिए हम हर धर्म का सम्मान करते और सभी धर्म को साथ में लेके चलते। और मैं हर बाकी जो यहाँ की जनता है मीरा भाईंदर की, उनको भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग किसी की भी भड़कावे में, किसी की बहकावे में ना आए, कोई धर्म को, कोई जाति के विरुद्ध में कभी भी ना बोले, सभी धर्म का सम्मान करे, सभी धर्मों को एक साथ लेके चले। बस सभी के लिए मेरा यही संदेश है। और इसी तरह हम आगे भी भाईचारे के लिए जो भी प्रोग्राम रहेंगे, भाईचारे के लिए जो भी करना रहेगा, हम आगे भी करते रहेंगे। सोशल फाउंडेशन की बात करें या फरिश्ते कमेटी की बात करें, तमाम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर एकजुट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इरफान खान जो कि विभाग प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे गुट के और प्रताप सरनाईक साहब के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, आज उन्होंने सारे धर्म जात समुदाय को, लोगों के, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए नजर आए। इसका जो वातावरण चल रहा है, जो लंगड़े नेता, जो राजनेता है, उनके मुंह पे फरिश्ते कमेटी फाउंडेशन ने एक करारा चमाड़ मारा। वो कैसा, इन्होंने पंडित को भी बुलाया और मौलवी को भी बुलाया, हर जाति के लोगों को बुलाया, और बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी हुई। वैसी इफ्तार पार्टी ऐसे मौके पे बहुत कम देखने मिलती है। तो मैं ये यंग स्टार लोगों से गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़े, अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाए और आने वाले दिनों में इससे अच्छे काम करते चले। एक मिसाल को कि ना मैं हिंदू के साथ चलूँगा, ना मैं मुसलमान के साथ चलूँगा, जो इंसानियत रखेगा मैं उसके साथ चलूँगा। तो ये लोग ने आज वो मिसाल कायम की। मैं अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से अब्दुल रहमान शेख फरिश्ते कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तय दिल से इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ और अमन कमेटी की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज का, अल्लाह आपकी दुआ में याद रखें। विभाग प्रमुख थे एकनाथ शिंदे गुट के इरफान खान,
इनका यह कहना है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सही बात अगर इसने इन्होंने आज अगर कही है तो कहीं कहीं इन्होंने आज इस कार्यक्रम के दौरान इस चीज़ को दर्शाया है, इस मुख्य बिंदु को दर्शाया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग इस दावत ए इफ्तार पे शामिल हुए हैं। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।